बीते सोमवार रात को हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की द्रंग सेरीधार सड़क का एक बड़ा भूभाग तरकने से एक रिहायशी मकान खतरे की जद में आ गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रभावित परिवार के मुखिया ने खासी जद्दोजहद के बाद अपनी बूढ़ी माता और अस्वस्थ बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना मंगलवार प्रातः करीब 8:30 बजे हुई। रंगसेरीधार सड़क का एक बड़ा भूभाग दरकने से सड़क के ठीक नीचे मलो गांव निवासी प्रेम सिंह पुत्र स्वर्गीय मोलक राम का घर मलबे की चपेट में आ गया। भारी भरकम मलबा घर के लेंटर तक पहुंच जाने के साथ साथ सभी कमरे भी लबालब हो गए। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य दिनचर्या के कार्य में व्यस्त थे। गनीमत ये रही कि क्षतिग्रस्त सड़क के 20 मीटर के दायरे में कोई राहगीर व प्रभावित परिवार के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। प्रभावित प्रेम सिंह जल शक्ति विभाग का कर्मचारी है, रोजमर्रा की तरह ड्यूटी जाने के लिए तैयारी में था। इस दौरान एक बड़े धमाके की आवाज हुई। बाहर देखा तो मंजर भयानक था। घर में मौजूद बूढ़ी माँ और हाल ही में एक घटना में घायल हुए बेटे को मुशक्कत के बाद सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। उतने में आस पड़ोस और सेवा आश्रय संगठन के कार्यकर्ता संजीव कुमार, पवन सुरेंद्र, रमेश कुमार, बीरेंद्र, हितेश कुमार, भीम सिंह, देवी सिंह, कश्मीर सिंह, प्रवीण कुमार और चीनू घटना का पता चलते ही मदद के लिए पहुंचे, जिन्होंने घर के भीतर रखा सारा सामान बाहर निकाला। सेवा आश्रय संगठन के महासचिव कुलदीप ठाकुर ने घटना की जानकारी एसडीएम पधर शिव मोहन सैनी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता को दूरभाष के माध्यम से दी। एसडीएम की त्वरित कार्रवाई पर तहसीलदार और पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रभावित परिवार ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रभावित का आरोप है कि जून माह के आखिरी पखवाड़े में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किसी ठेकेदार के माध्यम से इस सड़क की चौड़ाई का कार्य करवाया था। इस दौरान ग्रामीणों ने बरसात से पहले इस कटिंग का विरोध करते हुए अपनी असहमति भी जताई, लेकिन ठेकेदार ने ग्रामीणों की बात को अनसुना करते हुए बेतरतीब ढंग से सड़क को चौड़ा करने के लिए कटिंग की। इससे पहले इसी तरह हुई लैंड स्लाइडिंग की वजह से गांव के नरेश कुमार का मकान, बाथरूम और शौचालय भी जद में आया था, जो अब गिरने की कगार पर है। पीडब्ल्यूडी महकमा संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बजाय बचाव कर रहा है, जिसकी वजह से कई लाखों का मकान आज खतरे की चपेट में आ गया है। प्रभावित परिवार ने जहां प्रशासन से मकान को हुए नुकसान का उचित मुआवजा मुहैया करवाने की गुहार लगाई है, वहीं लोक निर्माण विभाग और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन भेज दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। विभाग ने कार्य में कोई अनियमितता नहीं बरती है। भारी स्लाइडिंग की वजह से स्लैब पोर 6 कमरों का मकान खतरे की जद में आ गया है। मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को प्रेषित कर दी है। वहीं प्रभावित परिवार को सुरक्षित जगह शिफ्ट होने के आदेश दिए गए हैं। गांव की श्री मोलक्राम मैं सोया हुआ था सवेरे करीबन 8 बजे के करीब, जब सो के निकला तो पीछे आवाज आई पुलिस में और पीछे से मेरे जो है छुआरे के पीछे से जोर जोर से मलबा आया और पूरा किया। मैंने सबसे पहले मेरा बेटा भी जस्ट ही अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसको बाहर निकाला। फिर अपनी माता जी 80 वर्ष माता जी, बाकी पूरा परिवार सारा पूरा किया और 2-3 बार पूरा और पेट सारा छुआरे का बर्फ बहुत बुरा हाल हो गया इधर। तो मैं खास करता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग से सारा मेरी जो है जल्दी से जल्दी इसका कार्य करने में सहयोग और इसकी भरपाई की जाए।